हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी प्लस वंस अगेन। तो हमने लास्ट क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप IUPAC नॉमेनक्लेचर किया था, जिसमें हमने क्या करे थे, स्टेप्स में डिवाइड किया था कि भाई हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ब्रांच होनी चाहिए चेन, तो ब्रांचिंग में कैसे करना है, स्ट्रेट चेन होगी तो कैसे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप होगी तो हम उसे प्रायोरिटी देंगे। तो आज हम आगे उसी को कॉन्टिन्यू कर रहे हैं और हम स्टडी करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। तो देखो, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्कोहल। तो अगर मैं अल्कोहल के बारे में बात करूं, तो मैं क्या करने वाली हूं इस वीडियो में ना, मैं आपको आगे आगे इनके इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम्स में आते हैं ना, जैसे कि अल्कोहल में आपका इथेनॉल इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड में इथेनॉइक एसिड इंपॉर्टेंट है, मैं वो सारे के सारे ना आपके लेते हुए चलूँगी, तो स्टे फोकस्ड। तो देखो, अगर मैं अल्कोहल के बारे में बात करूं, तो मैंने आपको बताया था कि हम एल्केन्स में जनरल फॉर्मूला क्या लेते हैं, CnH2n+2। ठीक है, अल्कोहल का फॉर्मूला जैसे लेट करो, मैंने आपको एक अल्कोहल पढ़ा रखा है पहले भी कि हम इसको क्या बोलते हैं, मीथेनॉल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इथेनॉल। तो आप नोटिस करोगे कि जो एल्केन का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, 2n+2। तो अल्कोहल के लिए भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स उतने ही रहते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे कि लेट करो मेरे पास है मीथेन CH4, तो मैं क्या करूँगी, इसके एक H को OH से रिप्लेस कर दूँगी। क्या करना है मुझे, एक हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, CH3OH, ऐसे। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+1OH। देखो 2n+2 की जगह 1 क्यों आया, इसमें जो एक हाइड्रोजन है वो मैंने रिप्लेस किया, तो मैं क्या करूँगी, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूंगी, और यहाँ पे एक मैंने क्या किया, OH का एडिशन किया है, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगी, OH ऐड कर दूंगी। तो इसलिए अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब लेट करो, अगर N की वैल्यू 1 है, तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, हो जाएगा CH3OH, इसको हम क्या बोलते हैं, मीथेनॉल। सिमिलरली अगर N की वैल्यू 2 है, तो क्या लिखोगे, CN। N कितना है, 2, यानी कि C2। हाइड्रोजन कितने हैं, अगेन N की वैल्यू 2, 2 × 4 + 1 = 5, C2H5। और मैंने क्या बोला था, हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा रहे हैं, OH, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल। ऐसे ही अगर N की वैल्यू 3 होगी, तो क्या बनेगा, C3H7OH, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोपेनॉल। ये सब मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, इथेनॉल। बाकी कुछ आपको पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इथेनॉल है ना हमारी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। इथेनॉल, पहली बात तो अगर मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, तो इथेनॉल क्या है, एक आपका कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखवा भी देती हूँ, ये क्या है आपका, एक कलरलेस लिक्विड है। इसकी जो स्मेल होती है, पंजन सी, हल्की सी, मतलब तीखी सी स्मेल होती है, और इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बर्नट टेस्ट होता है। भाई जिन्होंने अल्कोहल कभी, मतलब ऑब्वियसली आप बच्चे हैं, लेकिन जैसे अगर आपके कोई घर में बड़ा हो या किसी ने अल्कोहल कंज्यूम की हो, तो अगर आप उनसे पूछेंगे ना कि मीन्स अल्कोहल का टेस्ट कैसा सा होता है, तो वो बोलेंगे हल्की सी गले में ना लगती है वो, तो उसका रीज़न यही होता है कि उसका हल्का सा ना बर्न टेस्ट होता है। और इथेनॉल और क्या होती है भाई, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये पोलर है तो ये वाटर में डिसॉल्व होता है इन एनी प्रोपोर्शन। इंपॉर्टेंट क्या है, इन एनी प्रोपोर्शन। तो ये आपकी इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इथेनॉल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसका एक बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। तो मैं अब आपको क्या कराती हूँ, मैं इथेनॉल की आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसी के साथ अभी करा देती हूँ। तो देखो, इसकी जो डिहाइड्रेशन प्रॉपर्टी होती है इथेनॉल की, वो क्या होती है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रा मतलब, हाइड्रा मतलब क्या होता है, वाटर, एंड डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इथेनॉल क्या करता है आपका, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी कि H2SO4 क्या है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एट द टेम्परेचर मस्ट बी 443 केल्विन, ये क्या करेगा, डिहाइड्रेट कर जाएगा और क्या बनाएगा आपका, एल्कीन।
इसका मैकेनिज्म ना आपके सिलेबस में नहीं है कि ये डिहाइड्रेशन हुआ कैसे है, तो मतलब आपको अगर लर्न करने का एक वे चाहिए तो वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन वो एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं है तो प्लीज़ डोंट अप्लाई। बस एक लर्न करने का वे है, मैकेनिज्म आपका 11th और 12th में हायर क्लासेस में आएगा। तो देखो डिहाइड्रेशन जनरली होता कैसे है, जैसे ये क्या है आपका इथेनॉल का स्ट्रक्चर है, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ ताकि एक होता है ना कि क्यूरियोसिटी होती है मन में कि भाई ये ही डबल बॉन्ड क्यों आया, ऐसे ही क्यों बना। जनरली क्या होता है कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या है, एक एसिड है, और मैंने आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ाया है कि एसिड क्या करता है, एसिड का काम क्या होता है, जो भी एल्कोहल है या कोई भी ऐसी मॉइटी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको क्या करेगा, चार्ज करेगा, उसको अपना H+ आयन लूज करेगा। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये इसको अपना H+ आयन लूज कर देता है और यहाँ से HSO4- एक न्यूक्लियोफाइल आता है, ये हाइड्रोजन लेता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और ये ऐसे आपका क्या करता है बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या बनता है इथीन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आता तो एक लर्न करने का बेसिक वे बताऊँ। बेसिक वे क्या है ना, जैसे ये आपका एल्कोहल है तो आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसे वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, तो जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो कार्बन क्या चाहेगा, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करना, तो बस इधर एक डबल बॉन्ड लगा देना। ये लर्न करने का वे है, बट ये एक्चुअल मैकेनिज्म पुराने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, ये सोडियम के साथ भी रिएक्ट करता है, और कैसे रिएक्ट करता है, एक वीकली एसिड बनाता है। तो देखो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, रिएक्शन विथ सोडियम, तो ये क्या करता है, जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट कराता है तो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और आपको पता है कि जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो वो कैसे साउंड देती है, पॉप साउंड। सो दिस इज आवर सेकेंड रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन, एंड सेकेंड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद सोडियम। सो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4। तो देखो सबसे पहले ये पता करते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है, तो एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो एल्कलाइन KMnO4 क्या होता है ना, ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को डोनेट करना और खुद को रिड्यूस करना। तो इसमें क्या होता है, जब मैं किसी इथेनॉलिक सब्सटेंस में क्या करूँगी, जब मैं इसका ऑक्सीडेशन करूँगी, ऑक्सीडेशन का ये सिंबल होता है, ऑक्सीडेशन का क्या होता है, ये सिंबल होता है मैट्रिक्स में, एक तरीके से हम क्या करते हैं ऑक्सीजन लगाते हैं और क्या करते हैं KMnO4 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। ये आपका बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन का वे होता है, और KMnO4 आपका कैसा होना चाहिए, एल्कलाइन KMnO4, मतलब कि मीडियम कैसा होना चाहिए, एल्कली मीडियम होना चाहिए, एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए। आप इसको एसिड की प्रेजेंस में ऐड नहीं करोगे, एसिड तो ऑलरेडी है, अगर आप एसिड की प्रेजेंस में KMnO4 ऐड करोगे, ध्यान से समझना, अगर एल्कलाइन मीडियम ना लेके आप KMnO4 को एसिड में करोगे तो KMnO4 इथेनॉल को रिड्यूस ऑक्सीडाइज ना करके उसी एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा जिस में आपने इसको लिया होगा। तो इसलिए मीडियम हमेशा एल्कलाइन होना चाहिए जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे KMnO4 की प्रेजेंस में। तो आपका आंसर क्या आएगा, C2H5COOH, और ये क्या है आपका एसिड, कैसा एसिड है ये आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इथेनोइक एसिड। और इसके साथ क्या निकलेगा, सबस्ट्रेट वाटर। सो दिस इज आवर थर्ड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4। आवर फोर्थ रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, जब भी हम किसी एल्कोहल को
एस्टर, ESTER, एस्टरीफिकेशन। देखो एस्टरीफिकेशन का मतलब ये होता है एस्टर, एस्टर ग्रुप ना आपका ये होता है, इस तरीके का ग्रुप क्या होता है हमारा, एस्टर ग्रुप होता है। तो जब हम इथेनॉल की रिएक्शन किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, एस्टर। जैसे कि लेट करो मैंने क्या किया, मैंने इथेनॉल ले लिया और यही ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड C2H5। तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊँगी तो मुझे क्या मिलेगा, एस्टर। एंड अगेन क्या निकलेगा, लॉस ऑफ वाटर। ये मैक्सिमम रिएक्शंस आपकी जो भी होती है ना, मैक्सिमम रिएक्शंस आपकी क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस होती हैं। जितनी भी करोगे मैक्सिमम डिहाइड्रेशन ही होती है। देखो सब में लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, ये भी हो चाहे ये भी हो, इससे पहले मैं आपको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी करा चुकी हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट योर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। अब देखो मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी भी करा दी है, केमिकल प्रॉपर्टी भी करा दी है। अब पेपर में ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हाँ, जैसे कि एक लेट करो, एक क्वेश्चन आ सकता है कि विच अल्कोहल इज यूज्ड इन मेकिंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ये क्वेश्चन आना आपके आया हुआ भी है। तो वो इसमें क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा अल्कोहल है जो आपका अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए काम आता है। तो बच्चों वो अल्कोहल होता है आपका इथेनॉल। इसलिए ही मैंने आपको बोला कि इथेनॉल आपका एक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका रीज़न यही है कि इथेनॉल क्या है, आपकी एक ऐसी अल्कोहलिक ड्रिंक है जो काम आती है, ठीक है। इथेनॉल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और इथेनॉल कहाँ यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक में, कफ सिरप्स में, और आयोडीन की रिएक्शंस में इथेनॉल यूज़ होता है। आपने देखा होगा जब आप किसी स्पिरिट को लगाते हो, मींस नेल रिमूवर, भाई मैक्सिमम गर्ल्स नेल पॉलिश यूज़ करती हैं तो वो नेल रिमूवर भी यूज़ करती हैं। तो नेल रिमूवर में क्या होता है, नेल रिमूवर में आपने नोटिस किया होगा जब आप उसको पाल्म पे लगाते हो ना, तो वो ठंडा ठंडा सा फील होता है। वो किस वजह से फील होता है, क्योंकि उसमें ना इथेनॉल होती है। तो इथेनॉल के बहुत सारे यूजेज़ हैं। फर्स्ट यूज़ क्या है कि ये स्पिरिट्स में यूज़ होता है। सेकेंड यूज़ क्या है, अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए इथेनॉल यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, 5% आपका वाटर होता है और बाकी क्या होता है, इथेनॉल होता है। अगर आपको हाई कंसंट्रेशन का बनाना है, अल्कोहल्स आपने देखी होगी कि वाइन और विस्की है और आपके वोडकास हैं, इनकी जो ड्रिंक की इथेनॉल की कंसंट्रेशन होती है ना, सब में अलग अलग होती है। जैसे आपकी वाइन है उसमें 40-48% होता है, वोडका में भी 45-48% है। ऐसे ही अगर इफ़ आई रिमेंबर, येस, जैसे अगर आपकी बियर हो गई तो उसमें आपका 4-8% अल्कोहल होता है। तो इसकी जो आपकी कंपोजिशन होती है ना, ये अलग अलग होती है, इसलिए ये इंडस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट होता है। एंटीसेप्टिक होता है, आयोडीनेशन के लिए काम आता है, और आपके और भी बहुत सारी मेडिसिन भी इथेनॉल की बनती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कफ सिरप पीने से ना नींद आ जाती है, मतलब अगर आप, जैसे कि आपको कोई भी मतलब आपको कफ या फिर आपको ड्राइनेस या फिर आपको नोज से रिलेटेड अगर कोई भी लिक्विड मेडिसिन दी जा रही है, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आप उसको कंज्यूम करते हो और आपको नींद आने लगती है। उसका रीज़न क्या होता है, इथेनॉल। उसमें क्या पड़ा होता है, इथेनॉल पड़ा होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, एल्काइल हैलाइड्स। तो हमारा अल्कोहल कंप्लीट हो चुका है, एल्काइल हैलाइड्स देखते हैं। देखो एल्काइल, आप एन एक चीज़ नोटिस करो, एक ट्रिक दे रही हूँ, हमारा एल्केन्स क्या है, CnH2n+2, ठीक है। आपने ये चीज़ नोटिस करी कि सब में 2n+1 कॉमन है। और हुआ क्या है, बेसिकली एल्काइल हैलाइड्स का फंक्शनल ग्रुप X होता है, एल्डिहाइड का सी डबल बॉन्ड OH होता है, कीटोन का सी डबल बॉन्ड OR होता है। R क्या है आपका, अगेन कोई भी ग्रुप, और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है सी डबल बॉन्ड OH। तो कुछ नहीं किया आपने, CnH2n+1 लगा के ये सारे के सारे उसके आगे लगाए हैं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन फैक्टर भी हो ना, तो दिस इज़ योर वे टू लर्न इट, ठीक है। तभी मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। सो सेकेंड फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, एल्काइल हैलाइड। अब देखो मैंने क्या लिखवाया, CnH2n+1 into X।
अब देखो इसमें X क्या हो सकता है, एल्काइल हैलाइड्स आपको भी पता है, हैलाइड्स मतलब क्या होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो इसमें X क्या हो सकता है आपका, F सी एल बी आर एंड आई, वेयर F इज योर फ्लोरीन, C फॉर क्लोरीन, B फॉर ब्रोमीन एंड I फॉर आयोडीन। लेकिन ये हम कब बोलते हैं ना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जब हमारे साथ क्या होते हैं इनके टू वाले फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि ये अपनी एटॉमिक स्टेट में या अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड, जैसे कि मिथाइल क्लोराइड, आइड लगाओगे आप, क्या लगाओगे, आइड, इसमें सफिक्स क्या लगेगा, आइड, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सफिक्स एंड प्रीफिक्स मैंने आपको प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर नंबर आई थिंक 3 और 4 में करवाया है कि आप कैसे रिप्लेस करते हो, बट स्टिल देखते जाना। अब इसमें क्या है, सी एन एच टू एन प्लस एक्स, तो लेट करो अगर मैं एन की वैल्यू 1 लूँ तो क्या बनेगा, सी वन एच टू इंटू वन टू प्लस वन एच थ्री इंटू एक्स, लेट करो मैं क्लोरीन का लिख रही हूँ तो क्या बना आपका, सी एच थ्री सी एल, इसको हम क्या बोलेंगे, अब मैंने क्या बोला, आप क्या बोलोगे, एल्काइल हैलाइड, तो हेल को हटा के आपको क्या करना है, उस वाले फंक्शनल ग्रुप को यूज करना है जो लगा हुआ है। तो एल्काइल क्या है इसमें, मिथाइल, मैंने आपको बताया था सी एच थ्री कौन सा ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, और क्लोरीन क्या है, हैलाइड, तो इसको क्या लिखूंगी, क्लोराइड। ऐसे ही अगर एन की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एल, अब ये क्या है 1 एंड 2, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, इथाइल, एंड नेम क्या होगा, क्लोराइड। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ऐसे ही अगर मैं एन की वैल्यू 3 लिखूंगी तो क्या होगा, सी एच थ्री सी एच टू प्रोपाइल क्लोराइड। तो देखो ये सारे क्या हैं आपके, एल्काइल हैलाइड्स के जेनेरे हैं। अब जनरली क्या होता है ना, आपके एल्काइल हैलाइड्स हम क्यों यूज़ करते हैं, एल्काइल हैलाइड्स का अपने आप में मतलब हमारी डेली लाइफ की इंपॉर्टेंस में कुछ खास यूज़ नहीं है, बट इसका जो यूज़ है वो क्या है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए यूज़ है, या फिर एल्काइल हैलाइड से आप क्या करते हो, आप अलग कंपाउंड्स बना सकते हो। जैसे कि एल्काइल हैलाइड किसके लिए यूज़ होता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथीन, अगर आपको इससे इथीन बनाना है तो आप एल्काइल हैलाइड यूज़ कर सकते हो। ऐसे एल्काइल हैलाइड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए यूज़ भी कर सकते हो, मतलब कि एल्काइल हैलाइड का हमारी नॉर्मल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल यूज़। क्योंकि देखो एल्काइल हैलाइड क्या होता है ना, जनरली इसमें क्या होता है, जनरली मतलब कि अगर मैं इनको ना बनाऊँ तो इसमें जनरली कैसी रिएक्शन होती है आपकी, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अगर आप किसी कंपाउंड को हीट करोगे ना वो इजी होता है, लेकिन सोलर लाइट मतलब क्या होता है, सोलर जिसका सिंबल क्या होता है, एच म्यू जिसका सिंबल है लाइट का, या आपने शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो इसमें क्या होता है आपकी किस तरीके की रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये आपकी हाइयर सिलेबस की है। बेसिकली इसमें एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, इस वजह से एल्काइल हैलाइड की क्या है कि आपका ज़्यादा जनरल इसका यूज़ नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए ही इसका यूज़ होता है। सो आवर थर्ड कैटेगरी इज एल्डिहाइड। तो जैसे कि मैंने आपको क्लोरीन में बताया, सॉरी एल्काइल हैलाइड में बताया कि उसमें क्या लगाते हैं, आइड, तो एल्डिहाइड में हम क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल। मैं आपको सफिक्स और प्रीफिक्स ना एक पूरी इसकी मैं नॉमेनक्लेचर की और भी अच्छे से वीडियो बनाने वाली हूँ, बहुत जल्दी करूँगी मैं वो सिलेबस कवर। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, अल, मींस जैसे कि अगर मेरे को क्या करना है, मेरे को कोई भी कंपाउंड हटा के, मींस जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने हेलोजन में जब मैंने हैलाइड यूज़ किया तो मैंने क्लोरीन की जगह क्या लगाया, क्लोराइड, तो ऐसे ही इसमें क्या लगाती हूँ मैं, अल, मीथेनल, इथेनल, तो ऐसे ही जैसे लेट करो इसका भी मॉलिक्यूलर जनरल फॉर्मूला क्या होगा, 2N C डबल बॉन्ड OH। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये है ना, अब आपका 11 12th तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है। फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलूँगी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले 11 12th तक, सो प्लीज़ इसको ना मतलब कंसिडरेशन में रखना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप सफिक्स एंड प्रीफिक्सेस भूल जाओगे। तो अब देखो अगर मैं इसमें एन की वैल्यू अगर 1 रख दूँ तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच,
तो ये क्या बना आपके, कितने कार्बन्स हैं, दो कार्बन्स हैं, तो इसकी इसको हम क्या बोलेंगे, ईथ। अब मैंने आपको क्या बोला, अब आप इथाइल नहीं बोल सकते क्योंकि वो एल्काइल ग्रुप था, एल्काइल हैलाइड था जिसके लिए आपने इथाइल लिखा। इसके लिए क्या लिखोगे, मैंने क्या बोला था, ईथेन और अल। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ई के बाद कोई भी आपका ऐसा वोवल आए जिसमें ओ आई और यू हो तो आप ई को क्या करोगे, कट कर दोगे, तो इसमें आपका क्या बना, इथेनल। ऐसे ही अगर एन की वैल्यू मैं 3 ले लूँ तो क्या आएगा, C2H5COH। इसको मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। अब देखो यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे भी कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, और यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड इससे, एक बॉन्ड इससे, और दो बॉन्ड ऑक्सीजन से हैं, तो टोटल सबकी 4 वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अब वही प्रोपेन अल, ई हटाना पड़ेगा, प्रोपेनल। ऐसे ही आपका जो फोर्थ ग्रुप है वो क्या है आपका, कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड एक दूसरे के क्या होते हैं, फैमिली ऑफ ब्रांचेस होती हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इनको हम क्या बोलते हैं, ये फैमिली ऑफ ब्रांचेस होती हैं, मींस इनका जनरली क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला आगे धीरे धीरे जाके ना मर्ज होना स्टार्ट हो जाता है। मींस अगर मैं C2 को छोड़ के मैं अगर C3 से स्टार्ट करूँ तो आप देखोगे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में C3 से लेके और हायर कार्बन तक इनका जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा। मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ये मैं अभी आपको समझाती हूँ इसी से। जैसे मैं लेट करूँ, मैं एन की वैल्यू 3 ही ले लेती हूँ, तो एन की वैल्यू 3 के लिए क्या है, सॉरी एन की वैल्यू मैं 1 लेती हूँ। अब इधर देखो, एन की वैल्यू अगर मैं 1 लूँगी तो CH3C OCH3 ये आएगा, ठीक है। अब कीटोन में क्या लगा रहे हैं, ओन, तो इसमें आप क्या लगाओगे, प्रोपेन ओन। तो इसकी आप कैसे लिखोगे नॉमेनक्लेचर, PRO प्रोपेन, अब क्या लगाओगे, ओन। जैसे एल्डिहाइड में अल लगाया था, इसमें क्या लगा रहे हैं, प्रोपेन नोन। और मैंने क्या बोला, ई के बाद अगर ओ आएगा तो ई कैंसिल कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनोन, ठीक है। और ये जैसे कि प्रोपेनोन लिखा है ना, तो प्रोपेनोन में ये चीज़ क्लियर है कि जो कार्बन है ना सेंटर वाला, उसी पे आपका ऑक्सीजन आएगा। ये बहुत ही बेसिक और क्लियर चीज़ है कि मतलब C2 कार्बन, जनरली अगर आपको कोई भी कार्बन मेंशन ना हो कि कौन से कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड ओ लगा है, तो जनरली वो कौन सा होता है, C2 कार्बन होता है। इसको है ना बच्चों अच्छे से याद कर लेना। अब देखो अगर मैं उस वाले C3 वाले की बात करूँ तो इसका क्या आएगा, C3 ये वाला है, इसका क्या है, C3H5 और 6 O, यही है ना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्डिहाइड का। और अगर मैं कीटोन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में बात करूं, इसका भी क्या है, C3H6 O। तो जब आप आगे जाते हैं ना, तो आप नोटिस करोगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का C3 से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट। तो ये दोनों क्या है, सेम फैमिली की ब्रांचेज है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो भी क्या है, सेम फैमिली की ब्रांचेज है। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। सो हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बारे में क्या है, देखो अगेन वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने वाला है, CnH2n+1 C OH। तो जिस तरीके से आपका अल्कोहल में इथेनॉल इम्पॉर्टेंट था ना, उसी तरीके से एग्जाम में आपके कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्वेश्चंस आते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन वाइज ही इसको आज कवर कराती हूँ। तो देखो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करूँ, अगर N की वैल्यू मैं 1 रख दूँ तो क्या होगा, CH3C OH। तो ये क्या है आपका, इथेनोइक एसिड,
बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर में प्रॉपर्टीज़ भी पूछ लेते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी पूछ लेते हैं, ये भी पूछ लेते हैं यूजेस कहाँ होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताती हूँ। आपने है ना एक नेम सुना होगा, विनेगर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिरका। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो विनेगर क्या होता है, विनेगर अगर मैं इथेनोइक एसिड को 5-8% वाटर प्रोपोर्शन ले लूँ, मीन्स वाटर में अगर मैं 5-8% इथेनोइक एसिड ले लूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर। और इसका जो नॉमेनक्लेचर नेम होता है, आपने एक नेम और भी सुना होगा, एसिटिक एसिड। तो वो भी क्या होता है, इथेनॉल ही होता है, इथेनॉल को, सॉरी इथेनोइक एसिड होता है, एसिटिक एसिड को ही हम विनेगर बोलते हैं। ये एसिटिक एसिड कब होता है, जब इसमें 5-8% एसिड में वाटर प्रोपोर्शन हो। तो ये याद रखना, पेपर में इसका क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो एसिटिक एसिड होता है या विनेगर होता है, उसमें इथेनोइक एसिड की कितनी परसेंटेज होती है। तो वो 5-8% क्या होता है, इथेनोइक एसिड होता है। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी अगेन ऑब्वियसली इथेनोइक एसिड अगर आप नॉर्मली भी देखोगे, तो क्योंकि हम विनेगर हमने टेस्ट किया है, हमने कभी इथेनोइक एसिड टेस्ट नहीं किया, तो हमें इसकी जो टेस्ट लगती है वो कैसी लगती है, विनेगर जैसी टेस्ट लगती है। तो इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इसकी जो टेस्ट होती है विनेगर लाइक टेस्ट होता है। थर्ड प्रॉपर्टी इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा सा, यानी कि सोर टेस्ट। कैसा टेस्ट है, सोर यानी कि खट्टा। कुछ लर्न करने वाली चीज़ें हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन। पेपर में बॉइलिंग पॉइंट ना ऐसे आता नहीं है, मींस जो लर्न करने वाली चीज़ें हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव में नहीं पूछी जाती। कॉम्पिटिटिव में हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही, मतलब पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता। CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है इसका, 290 केल्विन। और अगेन ये क्या है, सोल्यूबल इन वाटर जस्ट लाइक इथेनॉल इन ऑल प्रोपोर्शन। ऑल प्रोपोर्शन का मतलब क्या, एक बार वो देख लो, मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ शायद समझ ना आए। जैसे कि लेट करो मैंने 100 ml वाटर लिया, 200 ml इथेनॉइक एसिड लिया, वो डिजॉल्व हो जाएगा। मैं 300 ml भी वाटर लूँगी, 200 ml इथेनॉइक एसिड लूँगी, वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। मैं 1 liter वाटर लूँगी, 500 ml इथेनॉइक एसिड लूँगी, वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। मतलब प्रोपोर्शन कुछ भी हो, वॉल्यूम कुछ भी हो, वो क्या होगा, डिजॉल्व होगा ही होगा। अब इथेनॉइक एसिड की भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एसिड है तो आपको याद होगा जब भी हम एसिड के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, लिटमस। और मैंने आपको याद है कोड याद कराया था, बार, एसिड एंड बेसिस की आप वीडियो में जाके चेक करना, मैंने कोड क्या करवाया था, बार, यानी कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये क्या है, एसिड। तो इसकी जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या है, ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में। सेकेंड, जैसे कि आपका इथेनॉल, मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम है, मैक्सिमम सेम है। जैसे कि इथेनॉल आपका मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था, सिमिलरली ये भी क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन विद मेटल। लर्न कराने के लिए मैं सोडियम ही ले लेती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, तो इसमें क्या है आपका, जब आप रिएक्शन करोगे तो अगेन क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस का बेस्ट भी क्या होता है, पॉप साउंड। अगर आपको पता करना हो कि हाइड्रोजन गैस की कैसी साउंड प्रोड्यूस होती है, तो कैसी होगी, पॉप साउंड। तो भाई अगर एसिड की हम अगर कहीं बात करें, तो हमें पता है अगर हम एसिड की बात करते हैं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि बेस ना आए। तो ये क्या करेगा, ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, रिएक्शन विद बेस। और बेस हमें पता है भाई NaOH से अच्छा बेस क्या हो सकता है, इसमें क्या निकलेगा, वाटर।
सो ये कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो मैं आपको प्रीवियसली करा चुकी हूँ, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए नहीं है। सो इसकी एक रिएक्शन जो मैंने आपको अल्कोहल में भी कराई है वो क्या है, एस्टेरिफिकेशन, वो मैं अभी अल्कोहल में करा चुकी हूँ। तो एस्टेरिफिकेशन में क्या किया था हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया था एस्टर बनाने के लिए। एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डी कार्बोक्सी, जैसे कि डी हाइड्रेशन हमने करा है ना अल्कोहल में, तो इसमें क्या है डी कार्बोक्सी, डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन आपके किसकी प्रेजेंस में होती है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या करते हो आप इसमें, सोडियम सॉल्ट लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का और इसकी रिएक्शन किससे कराते हो, NaOH के साथ। तो इस रिएक्शन में आपका क्या बनता है, जब आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराओगे किसकी प्रेजेंस में, स्लेट लाइन की। और अब इसको अगर आप आगे हीट करोगे तो आपको पता है ये कैसी रिएक्शन देने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाला है। सो इन दिस रिएक्शन ये क्या होता है, आपका जो CO2 होता है वो रिमूव हो जाता है, मतलब कि ये वाला पार्ट, इसको बोल रहे हैं ये, इसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो जब भी आपकी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आए तो आपको क्या करना है, एक CO2 रिमूव कर देना है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1। तो आपकी हायर एजुकेशन में ना ये जो रिएक्शन होती है ये कार्बन की चेन को कम करने के लिए भी काम आती है। अगर आपको कार्बन को वन फैक्टर से चेंज करना है तो ये आपकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है। सो आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड। तो भाई फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट तो हमें पता है कि इथेनोइक एसिड कब काम आता है, विनेगर बनाने के लिए काम आता है, वो हमें बहुत अच्छे से पता है। सेकंड, इंडस्ट्रीज़ में वर्क आता है, इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि मिल्क कोगुलेशन में भी काम आता है। और क्या करते हो, केसीन, मतलब कि केसीन है ना आपका एक प्रोटीन होता है। तो जब हम डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम एसिड के बारे में बात कर रहे हैं जनरली, तो जो इथेनोइक एसिड होता है ये क्या करता है, ये प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करता है मिल्क में से, और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, केसिन। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो मिल्क प्रोटीन है, ठीक है। ऐसे ही इसका एक काम और भी है, मतलब इसके बहुत यूजेज हैं। नेक्स्ट यूज़ है कि ये वाइट लेड बनाने के लिए काम आता है। वाइट लेड का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, इट्स इसको हम क्या बोलते हैं, वाइट लेड। आपने आज तक जो लेड देखी है वो ब्लैक कलर की देखी, लेड आप किसको बोलते हो, जनरली वो आपने ब्लैक कलर की देखी है, लेकिन ये क्या होता है, वाइट लेड बनाने के लिए काम आता है। लेड जनरली येलो होती है, लेकिन जब ये बनती है प्रिपेरेशन के साथ बनती है तो इसका कलर कैसा होता है, येलो सा कलर होता है, लेकिन ये क्या होती है, वाइट लेड होती है। ऐसे ही इथेनोइक एसिड के आपके बहुत सारे यूजेज हैं। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक कवर होता है, ख़त्म भी हो गया है इसके साथ साथ ये। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे बाकी प्रॉपर्टीज़ और आपका रेस्ट टॉपिक, फिर हम क्वेश्चनरीज भी करेंगे। सो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।